What is an electromagnetic radiation? Radiation in which electronic and magnetic waves oscillate perpendicular to each other is known as electromagnetic radiation. Electric field and magnetic field. Standing. हाइड्रोजन एटम दो सेपरेट हाइड्रोजन एटम में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से इस
ये जो एटम है, हमें पता है हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल होता है, राइट? तो अभी इस अनस्टेबल एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके हायर ऑर्बिट में या फिर लेट्स से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, जो एटम एक्साइटेड है, हायर ऑर्बिट से वापस से लोअर ऑर्बिट में आता है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है। तो लेट से यहाँ पे मैंने गैस ली, लेट से सोडियम गैस को मैंने हीट किया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, ठीक है? अभी क्या होगा, इधर मैं एक प्रिज्म प्लेस करूँगी एंड देन ये एटम जब अपनी एब्जॉर्ब की हुई फ्रीक्वेंसी वापस से एमिट करेगा तो इस प्रिज्म से वो जो लाइट है जो एमिट हुई है वो रिफ्रैक्ट होती है। यहाँ पे एक स्क्रीन प्लेस कर देते हैं। नाउ नॉर्मली हमने 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था कि जब हम एक वाइट लाइट प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है, बट सोडियम के केस में ऐसा नहीं हुआ। सोडियम के केस में क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब ये लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन ऑलमोस्ट ब्लैंक ही होती है, बट उस पर कुछ जैसे कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, बैंड्स देखने, लाइन्स देखने को मिलती है। तो सोडियम के केस में ऑरेंज, येलो, इंडिगो और वायलेट कलर के बैंड्स देखने को मिलते हैं। अब इस स्क्रीन को जब मैं 90 डिग्री से रोटेट कर देती हूँ तो ये पूरी स्क्रीन ब्लैंक है, ठीक है? इस पर कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कि कुछ लाइन्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये लाइन्स किस चीज़ की है, तुम्हारी उस इलेक्ट्रॉन ने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी वही उसने वापस से ग्राउंड स्टेट में आके एब्जॉर्ब की, ठीक है? क्या बोलते हैं, रिलीज़ की। रिलीज़ करने की वजह से ये लाइट थोड़ी बहुत जो थी वो प्रिज्म के थ्रू गई एंड देन रिफ्रैक्ट हुई प्रिज्म से, जिसकी वजह से जो सर्टन वेवलेंथ एब्जॉर्ब की हुई थी उसी का, सिर्फ उसी का क्या बोलते हैं, वही पोर्शन हमें देखने को मिला। एंड ऐसा भी नहीं है कि ऑरेंज का पूरा बैंड देखने को मिला है, ऑरेंज के बैंड में सिर्फ छोटा सा क्या बोलते हैं, छोटी सी लाइन देखने को मिला है, शेड वाला। ये अभी सोडियम के केस में ये पैटर्न देखने को मिला। हाउएवर जब हम कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं जैसे मर्क्यूरी या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या, उन केसेस में ये स्पेक्ट्रम अलग होता है, ये पैटर्न्स अलग होते हैं, ठीक है? एंड हर एलिमेंट के लिए ये टोटली यूनिक होता है। तो बेसिकली अपने फिंगरप्रिंट जैसा है, जैसे हम फ़ोन के पीछे अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं एंड फोन उसको रिकॉग्नाइज करके अनलॉक हो जाता है और अपने अलावा किसी और का फिंगरप्रिंट उस पर यूज नहीं हो सकता, सेम है। जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो हर एलिमेंट के लिए अलग होता है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है हर एलिमेंट के लिए यूनिक है एंड इट ऑल्सो सर्व एज द फिंगरप्रिंट ऑफ दैट एटम। अरे इधर आ थोड़ा वीडियो,
इसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे एंड सिंस ये लाइट के एमिशन की वजह से मिला है तो इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में काइंड ऑफ इसका ऑपोजिट ही होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं एटॉमिक गैस लेते हैं, बट इस बार क्या करते हैं ये जो एटॉमिक गैस मैंने ली, पहले इस गैस ने खुद से ही लाइट एमिट की या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ रेडिएशन जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो एमिट की, बट इस बार क्या होगा, इस बार मैं एक्सटर्नली एक वाइट लाइट का सोर्स या फिर प्रोवाइड करूँगी जिसकी वजह से क्या होगा कि इस लाइट से जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो फोटॉन कुछ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से जो बाकी की लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं हुई है वो एज इट इज पास हो जाएगी स्लिट से। ठीक है, स्लिट से पास हुई, प्रिज्म ने रिफ्लेक्ट किया, ये मुझे बोल रही है